अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पटवारी बैठक टीवी पर सुना खातरदार मलिक अब्दुल सबूर एक नवी वीडियो तो नहीं, खैर उस पुरानी वीडियो जड़ी सफारी ट्रेन नहीं सी पिंडी तो अटक खुर्द किले नहीं उसना दुआ ऐसा कि नहीं क्या हाजरे खिदमत है। तो जी संगियो असा पिछली बारी इत अटक खुर्द किले पर पहुंचे से हाँ पिंडियो टुरे हाँ तो असा गोरा रेलवे स्टेशन और म्यूजियम भी तकिया असन अब्दाल ना नवा जड़ा रेलवे स्टेशन है उस पर भी फिरे टुरे हाँ तो हूँ असा पहुंची गए अटक खुर्द तो इतना लगी पी है जी बारिश तो बारिश की है जी नज़ारे उस अच्छो तकिए जी संगियो टोल शुरू हो गया, मौसम ठंडा है उसकी गर्म करने ना एक बहाना है तो बिल्कुल जी मेला शुरू है। दोस्तों बारिश है लेकिन बारिश में बिरयानी खाने का अपना एक मजा है। राणा साहब भी और हम दोनों बिरयानी कैसा टेस्ट है जी बिरयानी का मजा हो गया। जब आप यहाँ आए तो आपको बिरयानी भी मिलेगी, दीगर चीज़ें भी मिलेंगी, यानी कि आपको खाने पीने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये जब ट्रेन वालों ने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं तो आप बिरयानी खाएँ, बहुत मजे की है। अब हमें भी खाना है। जी संगियो इतना जैसी रेलवे स्टेशन नालों पर है बुन लवो तो पहले स्टैप पर गर्मा गर्म चप्पल कबाब सिर्फ इतवार वाले दड़े ये भी तुम कि लभी सकने खाने मारे। कितने का कबाब देते हैं? 100 रुपये जी है। 100 रुपये सर? 100 रुपये का कबाब देते हैं आप? ठीक है। तो नान भी और कबाब भी, नान कितने का मिलता है यहाँ पे? 20 रुपये का नान मिलता है और 100 रुपये का कबाब मिलता है। अटक खुर्द रेलवे स्टेशन भी बहुत सोहना बनया पर इसने अटक खुर्द रेलवे स्टेशन की खूबसूरती की चार चंद इस नल मलेका दरिया है जड़ा के जिस पास जाने मारे थल लहना पैना और उस सीढ़ियाँ बनियां इतों ले के तुसा थल्ले दरिया ने किनारे तक गच्छी सकने तो उतना गच्छी के तुसा भरपूर तरीके इंजॉय करी सकने। बड़ा ही खूबसूरत पहाड़ और नज़ारे, बड़े सोहने पत्थर, इतने खूबसूरत कि मैं अपनी जिंदगी नहीं तके। इसी तरह रेत ना ऐसा समा कि जिस तरह किसी साहिल समुंदर उपर आए। जी संगियो ये झील सैफल मलूक या कोई और झील नहीं है, ये बिल्कुल अटक खुर्द ना रेलवे स्टेशन तो उस नाल दरिया ने नज़ारे ने बिल्कुल। मैं वीडियो बनाना सियाँ तो माड़ा एक संगी कोल बैठा सी ताना यारा ये तो बिल्कुल झील सैफल मलूक वाले नज़ारे पे नज़र रखने। जी संगियो असा इतने मौजूद हाँ दरिया अटक ने उपर जो पुल बनया और जिसकी अटक खुर्द ना पुल आखने उस नाल इतना खूबसूरत जगह है, दरिया है और दरिया ने किनारे उपर जितने भी असने सफारी ट्रेन नाल जितने भी लोग आए से वो सारे इतने आए न और खूब इंजॉय पे करने और भरपूर तरीके नाल अपना जो सफ़र है उसकी यादगार पे बनाने। मेरे पिछे इतों तकने पे उसो ये दरा आ गया है, सारा पानी जो उधर जा रहा है। इतने जोड़ा इस सीन जोड़ा है इतना ही खूबसूरत है तो कुदरती तौर पर आज जोड़ा मौसम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म ना सी तो जिस असने सारे सफ़र की चार चंद लाई छोड़े तो बिल्कुल असं भी इंजॉय पे करने थकावट ना एहसास तो थे कि सवेरे अस 8 बजे ने टुरे हाँ तो हूँ 2 ने करीब टाइम हो गया तो असं इतने पहुंचे हाँ। तुसा ट्रेन के जरिए सफारी ट्रेन के जरिए भी इतने अच्छी सकने हो। सामने असने अटक खुर्द पुल आ तुसा जड़ा ना बाई रोड अगर हसना चाहो तो बाई रोड भी इतने अच्छी सकने हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं समझना कि अगर तुसा अपना छुट्टी ना दिहाड़ा गुजारना तो उस छुट्टी ना दिहाड़ा गुजारने वास्ते इस तो अच्छी और खूबसूरत और प्यारी जगह नहीं होने की। हाले ये नवा नवा टूरिस्ट प्लेस बने इस पर गंत मिको नहीं दिसना पाया लेकिन जितने लोग हसने तो उस तो बाद जो लोग चीज़ा इस्तेमाल करने और फिर इतने सटने इस तू अगर ग्रेज करन
वाकई रियल खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तुस अपनी फैमिली नाल इत्थे अच्छी सकने हो, पूरी दिहाड़ी गुजारी सकने हो, लेकिन इत्थे खाण पीने वाले नाल मैं चीज़ां तकियां कोई इतने रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई ढाबा कोई चीज़ इस तरह की हाले कोई नहीं है। दसने पे आने वाले वक्त जोर करी गिनसा, लेकिन अगर तुसा इत्थे अचो तो अपने खाने पीने का बंदोबस्त तुसा अपना करी के अचो, बारबेक्यू करो, खाओ पियो, जो मर्जी करो, तो इस पानिया ने नज़दीक बह के तुसा अपना खूबसूरत दिन गुजारी सकने हो। तो अचो तुसा कि और अगर पिछले फिरने टुरने दसने और इत्थे कह के मेरा नाम हसाम इब्ने सैद। बहुत ज़बरदस्त जगह है, मैं कहता हूँ कि फैमिली को आना चाहिए। जो सीरियसली है, मतलब फैमिली है, मैंने जहाँ देखी है लोगों को बड़ा अच्छा एंटरटेन है हर जगह। और दूसरी बात यह है कि हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त और मौसम आज बड़ा इंजॉय वाला मौसम है, तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इधर आए। बेसिकली मैं एक बताऊं कि मैं छोटा सा था तो मैंने ट्रेन पे लाहौर का सफ़र किया था, उसके बाद मैं आ जा रहा हूँ। और मैंने लास्ट टाइम ये टीवी पे क्लिप देखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, क्यों नहीं हमें सबको जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, देखना चाहिए हर जगह। और उस लिहाज से देखा जाए यहाँ पर आके जो मुझे व्यू नज़र आ रहा है ना, बहुत ही आउट क्लास। दरिया पर किश्तियाँ भी मौजूद हैं जड़ियाँ तुसें कि दरिया ना सैर करानियां, इंतहाई मुनासिब किराया भी तुसें अगर फैमिली ना लो तो फैमिली नाल उन्हें डील करी सकने हो, तुसानी पूरी फैमिली की ये दरिया नहीं सैर कराई सकने। अब्दुल समद, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड 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 गुड। आप पहले आए हैं कभी इस तरह की जगह पे? नहीं। आपका ट्रेन का पहला विजिट था या पहले भी आए हैं आप? मेरा पहला था और उसका भी इन दोनों का दूसरा है। दूसरा है, तो कैसा लगा ट्रेन पे बैठ के यहाँ आना? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा मजा आ रहा है जी। आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या फील हो रहा है, जैसे समुद्र के किनारे आए हैं या कैसा? थोड़ी देख लो ना, सारा समुद्र की तरह ही है ना, सारे समुद्र की तरह ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऊपर जाना है, देख ले काफी चढ़ाई है। यो असा चढ़ाई चढ़ी के आए, साह भी चढ़िया है, लेकिन क्या बात है, जबरदस्त ग्रीनरी भी है इतना, कन्ना जंगल भी है, ते हर किस्म की खूबसूरती सके इतना लभसी, सुकून लभसी, यानी कि तुम पूरा दिहाड़ा एक टफ लाइफ तो निकली के तो पुरसकून जिंदगी मरे को चंद लम्बे गुजारना चाहे तो इतना जरूर अचो। चढ़ाई चढ़ी के सह चढ़ना पे मोटा बनना, तो इतने बड़े बड़े सोने फुल सारी थकावट दूर पे करने, इतना कुदरती फुल हैं और बड़ा खूबसूरत हुसन है, तो बिल्कुल अच्छा होना पर जुलिए अपनी जाइए पर। जी दोस्तों, हम ऊपर इधर पार्किंग में पहुंच गए हैं। अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे पार्किंग मौजूद है, और ट्रेन के लिए आए तो वो ऊपर रेलवे स्टेशन है जहाँ से हम आए हैं, वहाँ से आप उतर सकते हैं। और इस तरफ ये नीचे जाएं, ये नीचे रास्ता अगर आपको दिखता है तो ये रास्ता नीचे दरिया की तरफ जा रहा है, दरिया के नज़ारे आपको दिखा चुके हैं। ये यहाँ पर खाने पीने का सेटअप छोटा सा मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ इतवार वाले दिन होता है, नॉर्मल डेज में नहीं होता है, खाने पीने का अपना बंदोबस्त करके आए। अगर इसी तरह टर्न करें तो फिर आपको दिखाएंगे ये तारीखी वाटर खुर्द का पुल है, तो उस पुल के ऊपर बनाई गई हमारी वीडियो पहले देखी हुई है। हाँ, हल्का सा क्लिप वहाँ से ले लेते हैं फिर आगे चलेंगे।
संगियो रास्ता क्लियर है पर लोगों मारे हो कि लोग अगर गच्छी सकने कैमरा मैन मारा दस है क्या लोग जाई सकने ये ट्रेन मारे नहीं है ये माड़े सिग्नल हैं जे अगर इतना स्टाफ खलता उसी सिग्नल देसी जिसना मतलब है भाई रोड क्लियर है तो जे ये हरी झंडी उसी जिसना मतलब है कि अगर खतरा है लिहाजा गड्डी रोकी छोड़ो तो खतरा को नहीं बंदियां मारो लिहाजा बंदियां कि ना आखने सौ रुको बंदे गच्छी सकने ना तार है तो तार है जो बड़ा शुगल मेला होना तो शुगल मेले की सब पिंडियों तकने वस्ती आए सफारी ट्रेन तुसा की मौका लब्भे तो हर तारे ट्रेन चलनी है तुसा भी अच्छा जी संगियो अस ना अज ना जड़ा ए सफर है वो जारी है ते बिल्कुल अस हम इत अटक खुर्द पुल पर मौजूद हाँ तो इत अची के जो तुसा इस ट्रेन ट्राली पर सफर नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया तो असा तो रही गई कि असं देरी ना पहुंचे हैं तो सच्ची पूछो मी पता भी कोनी सी इत अची पता लगा कि ये ट्रेन ट्राली है तो सब बेही के तुसा इस पुल ने दुए उसे तो अगर दो सुरुंगा उतना तक तुम करने ये असने इस पूरे ट्रिप मिसिंग चीज़ है कि असा उत तक तुसा की ना खड़ी सके तो तुसा जो आयो तो जरूर सफर पवे लेकिन फटोफट जैसी तुसा इत पहुंचो ट्रेन रुकसी तो पहला काम तुम ये करो कि इस ट्रेली ट्राली पर बेही के तो ट्रेन ट्राली बेही के तुसा जरूर सफर करी कि नहीं आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आएगी अभी बस ही अच्छा नहीं आएगी मैं ऐसे जी संगियो असा इथे अटक जड़ा ब्रिज है इस पर खलते हैं अटक खुर्द रेलवे स्टेशन ने और बड़ा ही तारीखी पुल है और इसने हवाले ने तुसा माड़ी वीडियो के तकी रहे हो आज लिहाजा पुल नहीं इसनी तारीख ने बारे तक गल ना करने लेकिन असा जो अगर आए से तो असा की इजाजत नहीं मिली सी सफर असने नहीं लेकिन आज असा सफारी ट्रेन नाल आए तो इतने असा की इजाजत मिली है तो असा इतने अच्छी तुसा की दसने पे पिछले असा नज़ारे तकने हो सो इंतहा खूबसूरत नज़ारे तो इस सामने सो कि रोड भी दिसनी पी उसी ए अटक जिसल तुसा शहर पहुंचने वाले होने हो तो जैसी पहले उस तू खब्बे हाथ रोड मुड़नी है उधर अच्छा तुसा इस पुल ने दुए हिस्से तक जाई सकने हो लेकिन ये अटक नू पहले एक और टर्न दसना उस टर्न तो तुसा अगर अच्छा सी रोड भी दसा इस रोड तो तुसा इस पास भी अच्छी सकने हो असा सफारी ट्रेन नाल आए हैं इसना टाइम है सुबह ए 9 बजे एग्जैक्ट पिंडियों टुरनी है तो इतों वापस जो 4 बजे टुरनी राह असन अब्दाल थोड़ी देर रुकनी है इसे तरह गोरड़ा म्यूजियम पर भी रुकनी है बहुत खूबसूरत मौसम है आज ना सा ना फैसला जो अच्छा साबित होया जी संगियो असा ना आज ना जो सफर है वो तकरीबन हम इख्तिताम ने पासा घसना पे है तो टाइम हो गया तकरीबन हम 3:15-3:30 होने वाले तो ठीक 4 बजे ये सफारी टूरिस्ट ट्रेन जी है ये वापसी ना सफर शुरू कर सी असा सुबह पिंडियों 9 बजे टुरे से हाँ तो ये ट्रेन रह चुकी है गोरड़ा रेलवे स्टेशन म्यूजियम उपर तो उस तो बाद असन अब्दाल रेलवे स्टेशन उपर उ गोरड़ा जो म्यूजियम है उस पर 1 घंटे ना ब्रेक सी तो इतने अच्छी क्या असन अब्दाल अद्धे घंटे ना तो फिर असा इतना अटक खुद रेलवे स्टेशन उपर इत अची रहे हाँ तो इतने असने तो बाद असा पूरे इलाके ना विजिट किया इतने जो जो चीज़ा सियाँ सारिया तुसा की दसियां थले दरिया तक भी गए हैं और अटक खुद पुल अपरों भी नंगी के तुसा की दसिया भी इतने क्या होना लेकिन इतने जो लोग अच्छा एक तो यह है कि यह जंगल मंगल वाली सूरत हाल है कि सिर्फ इतवारे इतने रौनक होनी एवं इतने कुछ भी नहीं होना है तो अगर तुसा असना चाहते हो इस सफारी ट्रेन नजरिए तो हर तारे पिंडियों टुरनी है सुबह 9 बजे तो शामी 6 बजे वापस पहुंची रहनी है इतने असने मारो तुसा की टिकट किन्ना पैसी और पिंडी रेलवे स्टेशन तो तुसा की लब्भी जाना है तो एक और जी एक अहम चीज़ तुसा दसना चाहनी है कि जो संगीत है अच्छा उन्होंने वास्ते दो जरूरी ट्रिप्स हैं एक तो है कि अगर अटक खुर्द किला तकना चाहने तो जैसी ट्रेन पर लवो पहला कम से करो कि अटक खुर्द किला तकी अच्छो
ते अगर उत्थे ना जाना चाहने ते गौर अहम चीज़ है जी असा मिस की है वह है कि ट्राली उपर जी हाँ रेलवे की एक छोटी ट्राली है छोटा जहा इंजन लगा है वह पटड़ी उपर ही टुरनी है तो वह तुसा की पुल तो कि नहीं गया अगर सुरंग तक खड़नी है तो उस सुरंग तक गच्छी सकने हो असा मिस किया है क्योंकि असा थले दरिया आले पास चले गए सियाँ तो माड़ा जहा मोटा बंदा एक बार थले गच्छा तो पर अवे भी साथ चढ़ी गसना होना तो जितने मेरे संगी हैं उन्होंने वास्ते असं दरखास्त कर सके मेरी वीडियो तक जो लोग आसन उन्होंने वास्ते एक अहम टिप है कि पहले दो काम लाजमी करे कि अगर दो चीज़ा तुम नहीं तकियाँ तो समझो तुसा ना यह सारा सफर बेकार है। इस तो अलावा असर तुम्हें दसिया है कि इस ट्रेन तो अलावा तुम भाई रोड भी अच्छी सकने हो अटक तुसा शहर तू पहले ही खब्बे हाथ अंदर रोड जानी है तो तुसा इस पास अच्छी गए इतने अपना इंजॉय करी सकने हो। जबरदस्त जगह है सिर्फ इतवारे इतना थोड़ा बहुत कुछ खाने की लभना अदरवाइज अगर तुसा छो तो इतना कोई रेस्टोरेंट नहीं है कोई ढाबा शाबा कोई नहीं है तुसा अपने खाने पीने चीज़ा अपने नाल आपू आनसो ये मेरी जरूर याद रखे है कि इतने इस किस्म की कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो इस नाल ही अगर मजीद तुम्हें दरखास्त कर सा कि इस तरह जी जगह इतने हसने हो हाले तक तो नवी नवी जगह है लोगों गंद शंद इतना कौन नहीं पाया बड़ी जबरदस्त साफ सुथरी जगह है लेकिन अगर तुस हसने हो तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का जरूर ख्याल करो कि जो चीज़ तुम इस्तेमाल करने हो इस तरह ना सट्टो ताकि जगह साफ सुथरी टिकी रवे और असाने टूरिज्म जी है वह प्रमोट होनी रवे। मैं रेलवे ने इस इकदम पर इन्होंने शुक्रिया भी अदा करना और खराज तहसीन भी पेश करना कि इनता ही जबरदस्त किस्म का इकदम इन्हें चाहे कि जरा पिंडियों कि नहीं गया इतने तक सफारी ट्रेन इन्हें चलाई है। इस नाल नाल मैं अपने दोस्त जेडे राणा सुहेल साहब जिन्हें कि रेलवे आउटसोर्स की है उन्हें कि जी सारी मैनेजमेंट वो करने सवाए टिकट किन्ने क्योंकि टिकट रेलवे की जिम्मेदारी है बाकी सारी मैनेजमेंट राणा सुहेल साहब नहीं है उन्होंने भी राती दावत दी जा अस इतने आए हैं। जबरदस्त किस्म का निज़ाम है जबरदस्त अरेंजमेंट सन सारे की आखसा जरूर जो मौका मिले इतने अचो तो सी दिहाड़ जी इतने जाया नहीं होगी सी दिहाड़ जबरदस्त किस्म की इतने गुजर सी फैमिली ना लाओ बड़ा मजा आ सी। एक खूबसूरत सफर ना हूँ इख्ताम होना गा पूरी दिहाड़ अस बहुत चंकी गुजारी सुने सुने नजारे तके सुन सुन चाहिए तकिया तो हूँ अस वापसी का सफर शुरू होने हेलो जी इंजन भी अच्छी रहा तो इंजन हूँ जोड़ा है ये बोकिया जुड़ सी तो बोकिया नाल इसकी जोड़ी के तो फिर असाना पिंडी ना वापसी ना सफ़र शुरू हुई कैसी ये सफ़र से कि जो लगा तो अपनी राय जरूर दी है तो जरूर मौका मिले तो इतना अच्छा भी है। इस नाल ही ज़्यादा किंसा तो हूँ वापसी ना सफ़र शुरू हो गया सी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान का पठवार पाइंदाबाद।